मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का टॉपिक मोलरता के बारे में बता रहे हैं। मोलरता क्या है? तो यह किसी भी विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट प्रदर्शित करने की एक मेथड है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि मोलरता क्या है, तो किसी भी विलयन की एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों को, विलेय पदार्थ समझ रहे हैं ना, जो कि विलयन में घुला जाता है उसी को विलेय कहते हैं। तो एक लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित है वही संख्या पर एक लीटर, ठीक है ना, पर एक लीटर उस पदार्थ के कितने मोल उपस्थित है वही संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है और मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दिया गया है, ठीक है, क्लियर। तो मोलरता फाइंड करना होगा तो हम क्या फॉर्मूला करेंगे, यूज करेंगे, तो मोलरता इक्वल मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, जो विलयन दिया रहेगा मोलों की संख्या लिख देंगे कितने मोल है और विलयन का आयतन जो है कि किसी भी चीज़ में लीटर में दिया तो लीटर में लिखेंगे, यदि मिली लीटर में है तो उसको लीटर में बदल लेंगे, लिखेंगे आयतन लीटर में, ठीक है। या इसको हम और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो मोलरता एम इक्वल, अब मोलों की संख्या फाइंड करने के लिए जो पदार्थ दिया रहेगा उसका भार बटे उसका अणु भार बटे आयतन लीटर में, तो भार बटे अणु भार से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या हो जाएगा बटे में आयतन लीटर में, ठीक है ना। हम इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, भार को डब्ल्यू से और अणु भार को एम से बटे आयतन भी लीटर में, ठीक है ना। या अब हम इस तरह लिख सकते हैं m इक्वल डब्ल्यू बाई एम बटे में भी बटे में 1000, ये मिलीलीटर में कह रहा है कि माने कि लीटर में हम डायरेक्ट लिख देंगे, यदि ml में दिया रहा है दिया गया हो तो उसको हम चेंज करने के लिए उस ml को 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो मोलरता इक्वल भार बटे अणु भार, ठीक ना, जिसका बटा हुआ भी ml में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। और इसको अरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं मोलरता m इक्वल डब्ल्यू इंटू 1000, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, तो डब्ल्यू इंटू 1000 हो जाएगा अब बटे में, ये बटे में नीचे आ जाएगा m इंटू भी एम एल में। तो मोलरता फाइंड करने के लिए शॉर्टकट विधि है, तुरंत हम भार दिया है यहाँ पर रख देंगे 1000, उस पदार्थ का अणु भार निकालेंगे और आयतन जो दिया है यहाँ पर रख देंगे तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें m क्या है, कैपिटल m मोलरता, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m अणु भार और भी आयतन है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि यदि विलयन की ये भार नहीं दे करके प्रतिशतता दिया हो तथा घनत्व दिया हो, दूसरा कंडीशन है, यदि क्वेश्चन में विलयन की प्रतिशतता और घनत्व दिया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मोलरता इक्वल प्रतिशतता इंटू घनत्व इंटू 10 बटे एम, ठीक है ना। तो ये डी क्या है, घनत्व हो जाएगा, एम अणु भार हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका प्रतिशतता दिया रहेगा तो उसमें लिख देंगे। एक क्वेश्चन हम चेक करते हैं, देखते हैं इस फॉर्मूले पर कि क्या कंसेप्ट देता है। तो कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को 100 मिली जल में घोला गया, ठीक है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को ले लिया गया, ये विलेय है और 100 मिली जल में इसको घोल दिया गया। यदि अणु भार इसका 40 हो, किसका, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तब कह रहा है कि उस कंडीशन में मोलरता ज्ञात कीजिए, किस कंडीशन में, और 4 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को 100 मिली जल में घोल दिया गया, विलयन बन गया, यदि सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अणु भार 40 हो तो मोलरता ज्ञात कीजिए।
इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। पहले हम उसको लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। भार दिया हुआ है W ने 4 ग्राम, अणु भार दिया ही है 40, और आयतन भी दिया है 100 ml। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए, तुरंत एक मिनट के अंदर जो है कि आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। W 4 1000 ही है, m 40 बटे आयतन 100, और ये 0 से जो 2 0 3 0 से 3 0 कट जाएगा, बचेगा 4/4, तो डिवाइड कर देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 मोलर। तो विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। देखे ना, तो हम पहले ही बताए हैं कि किसी कोई भी रसायन विज्ञान का यदि न्यूमेरिकल हो तो हम एक मिनट में कैसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसी क्रम में हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, उसको भी हम लोग एक मिनट में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है NCERT का, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये NCERT की एक्सरसाइज का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि उस नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल है, मोल प्रति लीटर में ज्ञात करना है, उस नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता ज्ञात कीजिए, किसमें, मोल प्रति लीटर में, जिसके नमूने का घनत्व 1.41 ग्राम पर ml है और भार 69% है। तो इसकी मोलरता ज्ञात करना है। पहले ही बताए हैं हम आप लोगों को कि यदि घनत्व और प्रतिशतता दिया हो तो उसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला बताए हैं आप लोगों को, इसको यूज करेंगे। ठीक ना, तो कह रहा है कि मोल प्रति लीटर में सांद्रता, मतलब कि मोलरता, अभी हम पढ़े हैं कि मोलों की संख्या पर लीटर को मोलरता कहते हैं, सांद्रता को हम मोलरता के रूप में, नॉर्मलता के रूप में बदल कर व्यक्त करते हैं। यहाँ पर मोल पर लीटर में थोड़ी मोलरता पूछ रहा है। तो प्रतिशत और घनत्व वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, वही लगाएंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है पहले भी घनत्व डी 1.4 ग्राम पर लीटर, प्रतिशतता दिया हुआ है 69%, अणु भार नाइट्रिक अम्ल हम निकाल लेंगे, H का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 × 48, तो जोड़ देंगे, गुणा करके जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा। ठीक है, घनत्व हो गया, प्रतिशतता हो गया, अणु भार हो गया, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, मोलरता इक्वल प्रतिशतता इंटू घनत्व इंटू 10 ले लेंगे। अब रख दीजिए वैल्यू, आपका मोलरता इक्वल प्रतिशतता दिया हुआ है 69, घनत्व हो गया 1.41 × 10 बटे में 63। अब सॉल्व कर दीजिए, इसको पहले इंटू करेंगे हम, गुणा करेंगे आसानी से, आप लोग गुणा कर लीजिए, तो आएगा 972.9 बटे 63, और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15.44 ml। ये हो गया आंसर, मोलरता हो गया। तो दोनों विधि से देखें ना, एक मिनट में बस देखिए फॉर्मूला लिखेंगे या तुरंत वैल्यू पुट करेंगे और तुरंत एक मिनट से पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मेरी वीडियो वॉच करने में ही फायदा है, कोई भी इस केमिस्ट्री का आदमी करके एक मिनट में देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं भी पाएंगे इसको विस्तार से बहुत लंबा चौड़ा किया गया है। ये NCERT का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि मिथेनॉल का घनत्व दिया है कितना, यदि मिथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर है हो तो इसके कितने आयतन से 2.4 लीटर और 0.25 मोलरता का विलयन बनाया जा सकता है। देखिए इसमें कुछ छुपाया हुआ है, कह रहा है कि एक मिथेनॉल है का विलयन है, ठीक है ना, उसका घनत्व दिया हुआ है 0.793 kg पर लीटर, ठीक ना, और उसमें से ले लेना है, और ले करके कितना आयतन लें हम उसमें से कि 2.5 लीटर और 0.25 मोलरता का विलयन बना सके हम। इतना लीटर और इतनी मोलरता का विलयन बनाने के लिए उस इस घनत्व के दिए हुए विलयन में से हम कितना ml लें, बस समझ में आ रहा है, कितना ml लें, ठीक ना,
कि हम उस मोलरता इतनी मोलरता और इतने आयतन का विलयन बना लें। हम सपोज करते हैं, पता नहीं है, V1 ml हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम मोलरता के फॉर्मूला m1 × V1, कौन सा ये फॉर्मूला, m1 × V1 = m2 × V2 का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए m2 दिया हुआ है 0.25 है m2, और V2 भी दिया हुआ है 5.2। V1 हम मान लेंगे, V1 लेंगे तो m1 हमारे पास नहीं है, m1 है, m1 प्रश्न में ही है। तो देखते हैं कि m1 प्रश्न में है तो कहाँ है, कैसे, पहले हम m1 फाइंड कर लेंगे। V1 निकालना ही है, m1 तो प्रश्न ही से निकल जाएगा, और m2 दिया हुआ है ये 0.25, और V2 भी दिया हुआ है, तो हमको V1 निकालना है ना। तो V1 = m2 × V2 / m1, तो m1 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमको केवल फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, m1, तब जा कर के यहाँ पर V1 फाइंड कर, m2 और V2 दिया हुआ है, m1 फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आपको घनत्व दिया है क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन में घनत्व दिया हुआ है, कितना है भाई घनत्व, तो 0.793 kg/L, मतलब कि उसमें विलेय कितना केजी है, 0.793 केजी है 1 लीटर में। रेशियो पता चला है कितना है, घनत्व दिया है मतलब कि वह विलेय 0.793 केजी 1 लीटर में है, पर लीटर देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब हो गया 0.793 केजी पर लीटर का मतलब 0.793 केजी 1 लीटर मिथेनॉल में विलयन में उपस्थित है। कितना केजी भाई, इतना केजी, कितने में, 1 लीटर में। तो विलयन की मोलरता फाइंड करेंगे हम, तो भार दिया हुआ है 0.793 kg, इसको हम केजी को पहले ग्राम में बदलेंगे, तो 1000 से गुणा कर दिए, ये ग्राम में आ गया। अब इसका अणु भार निकाल लिए जोड़ करके, तो 32 आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो मोलरता इक्वल m1 फाइंड कर रहे हैं, W × 1000/m × V ml में तुरंत रखेंगे, W भार दिया हुआ है, ये निकाले हैं ना घनत्व से, कितना 793, तो W हम रख देंगे 793 × 1000/32, और यहाँ पर लीटर में, 1 लीटर में ये कह रहा है, तो लीटर को भाई हमको लीटर नहीं लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ml में लिखना है ना, ये तो 1000 रहेगा ही, यहाँ पर आयतन हमको कोई भी आयतन दिया रहेगा तो किस में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ml में लिखना है, ठीक है ना। तो 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर को हम भाई ml में बदल लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर तो फॉर्मूले में 1000 ही है, और यहाँ पर भी ml में है, लेकिन हमको क्वेश्चन कितने, 1 लीटर मेथेनॉल में इतना ग्राम, मतलब कि आयतन दे दिया 1 लीटर, तो लीटर को ml में बदल दिया, यह 1000 से कट जाएगा, बचेगा कितना 793/32, तो डिवाइड कर देंगे 793/32 से, तो आ जाएगा 24.78125। m1 मिल गया हमको, देखिए m1 हो गया 24.78125, क्लियर। m2 बताया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और V2 भी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है V1 कितना लें, क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि इतने घनत्व के 2.5 लीटर और इतना मोलरता का विलयन बना सके, कितना आयतन लें, ठीक। तो V1 फाइंड करना है, m2 V2, ये हो जाएगा आपका m2, ये हो जाएगा V2, और m1 हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कितना, तो 24.78, यहाँ पुट कर दिए, m2 यहाँ से ले लीजिए, एकदम आराम से लीजिए, m2 = V2 2.5/m1 हमने नीचे फाइंड किया है, रख देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.025, ये गुणा कर दीजिए पहले 0.025 में 5.2 से 2.5 से,
इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.025220 लीटर में आएगा। इसको ml में भी आंसर दे रहा है तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो 25.2 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी तरह से आप लोगों को तुरंत तुरंत जो है कि क्वेश्चन करने की हैबिट, मेरे वीडियो वॉच करते हैं तो एक मिनट में कितना भी बड़ा केमिस्ट्री का जो है कैलकुलेशन आप लोग ईजिली करेंगे, रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली करेंगे। तो इसके लिए भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंडों को आपको फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि हम ऊर्जावान रहें और अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप लोग को हम वीडियो बनाते रहें और चैनल डालते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।